हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, क्या आपको यूनिवर्स देने वाला है वो हम देखेंगे। और ये ऑल साइन के लिए है, सभी साइन वाले इसको देख सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है, उसमें सभी साइन आ जाते हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और रीडिंग को लास्ट तक देखना है। तो चलिए पहले एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। देखिए, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है। सबसे पहले तो आपको होप रख करके चलना है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपको प्यार को चुनना है, प्यार को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से और लोगों से आप प्यार से पेश आइए, अपने थॉट्स में प्यार लेकर आइए। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप जो है डिवाइन की कीमत को पहचानिए, यानी कि डिवाइन जो करवाना चाहता है आपसे वो करिए। आप इसीलिए इस पृथ्वी पर आई हैं कि आप डिवाइन का एक स्पेशल दूत बनकर के इस पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए जो भी डिवाइन चाहता है वैसे ही आप काम करिए, डिवाइन से मिलकर के, यानी कि डिवाइन जो आपको मैसेज दिखाना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके अपने थॉट्स जो है उनमें थोड़ा सा प्यार लेकर आइए। आपके थॉट्स में बहुत ज्यादा जो है तीखापन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की मास्टर जीसस आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान जीसस जो है वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उस पाथ पर चलना है जिसमें प्यार हो। सभी आत्माओं के प्रति आपके दिल में प्यार होना चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। और जिस पाथ पर आप चल रहे हैं उस पाथ पर आपको निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को दिशा दिखाएंगे, उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्पेशल भेजे गए हैं। और इस टाइम जो है फादर हीलिंग पॉसिबल है, फादर हीलिंग करिए तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एंसेस्टर हीलिंग कर लीजिए या फादर मदर हीलिंग का जो वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। लॉर्ड गणेशा जो है आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, आप खुशहाल जीवन जिएंगे, सारी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते से दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको लॉर्ड गणेशा का सपोर्ट मिल रहा है और आपको निरंतर आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों पार्टनर आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको लॉर्ड गणेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जीसस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सभी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर ही चलिए। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस था, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है, उसके बाद में आगे हम रीडिंग करेंगे। देखिए, आपको एंजल से अगर सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप उनसे मांग सकती हैं। आप मेडिटेशन करिए और फिर आप एंजल से हेल्प ले सकती हैं। किसी भी काम के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है एंजल्स की तरफ से, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि आपके आसपास अर्थ एंजल्स रहते हैं और जो आपको देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आपके साइकिक एबिलिटीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्क पर ध्यान देना चाहिए, आपको पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप टैरो से कनेक्ट होना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप टैरो भी सीख सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। अगर जादू टोना तंत्र मंत्र में आपका इंटरेस्ट है या तंत्र मंत्र में आपका इंटरेस्ट है तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। इस टाइम आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सभी चीजों को कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा डिवाइन ने पावर दे रखी है और इस टाइम आप बहुत स्ट्रांग हैं और जो भी विश अपने लिए मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप सिचुएशन अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं कि ये किस लिए हुआ है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, तो वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा जो है कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से, क्योंकि आप तो डिवाइन के ही बच्चे हैं, यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
डिवाइन ने किसी विशेष पर्पज के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। अर्थ एंजल्स आपको हर टाइम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। अभी तो लॉर्ड गणेशा और मास्टर जीसस जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही हैं और आपको हेल्प भी कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अकेले रह करके एक बार थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए कि आप जो है आपके अंदर इतनी पावर है कि किसी दूसरे के सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है, किसी के सहारे से आपको जीने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे खुशी देगा, कोई मुझे खुश रखेगा, कोई मेरे लिए करेगा, कोई मेरे लिए वो करेगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, आपके अंदर खजाना है, ज्ञान का भंडार है, उसको बाहर निकालिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए और जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और जो भी आपको करने के लिए मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से उस काम में आगे बढ़ जाइए। आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं या आप जो है बहुत ही ओल्ड सोल हैं अगर सोलमेट हैं तो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। आप बार बार शायद एक्सेसिव में कोई ड्रिंक ले रहे हैं, या तो आप चाय या कॉफी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या फिर जो है आप शराब वगैरह का सेवन करते होंगे या किसी ऐसी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है और फिर एक दिन आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इसको दूर करिए। आपके मन में उसके प्रति बहुत लालच पैदा होता है कि मैं इसको पी लूं, मैं इसको खा लूं, कोई खाने की चीज़ ऐसी होगी, ठीक है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन आप उसको इजीली अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आप पॉइजन ले रहे हैं ना उसके रूप में अपने अंदर, तो आपको डार्क स्पॉट होते होंगे, स्किन पे रैशेस होते होंगे, स्किन बहुत ही डल हो गई होगी, रिंकल्स वगैरह दिखाई देते होंगे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदगी भी हो रही होगी उसको लेकर के, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं उसको और भी ज़्यादा उसका सेवन करते जा रहे हैं। आपकी आई साइड भी वीक हो रही होंगी। मुझे यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स आ रही कि आपके दांतों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको उसको छोड़ने की जरूरत है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस लालच से बचिए वरना एक दिन आपको बहुत ज्यादा दुख से गुजरना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आप किसी अपने दोस्त से मिल सकते हैं, ठीक है, और या फिर आपके एक्स पार्टनर से आप मिल सकते हैं या फिर आप अपनी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जल्द ही आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो पास्ट से आपके रिलेशन में हैं, यानी कि आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स या फिर आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम जो है आपकी चाहत हो रही है उनसे मिलने की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, ठीक है, आपको बहुत सपने आ रहे हैं, आप अपने बचपन को याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या फिर आपका जो है पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, या आप अपने पेरेंट्स के पास में विजिट करके जा सकती हैं या अपने फ्रेंड्स से मिल सकती हैं या अपने सिबलिंग्स से मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है डिसीजन तो बनाना चाहती हैं लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप फाइनेंस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ग्रेट सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, आप बहुत ही सिक्योर रहने वाले हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके काम में। आप आगे तो बढ़िए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने करियर में। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी काम को अगर आप शुरू करना चाहते तो आप करिए तो सही, आगे तो बढ़िए, आपको हेल्प मिलेगी, जरूर हेल्प मिलेगी आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके स्पाउस की तरफ से या आपके कोई फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं, मेरे से ये नहीं हो सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इस टाइम जो है आप उदास होकर बैठे हैं कि मेरा तो काम कोई चल ही नहीं रहा है, मुझे तो किसी काम में सक्सेस ही नहीं मिलती है, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हो सकता है पास्ट में आपने किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हों, कोई अपने खुद का बिजनेस ओपन किया हो या फिर किसी जॉब करियर में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको उसको उतना फल नहीं मिला, आपको उसको इतने पेमेंट नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही मदरली नेचर पर्सन हैं, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से सीख करके आप आगे बढ़िए कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक्शन लेने का टाइम है, इस टाइम उदास होकर बैठने का नहीं है। आपने जो भी सपने बुने थे, हो सकता है कि पास्ट में आपको उसका बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिला हो, लेकिन अभी आगे आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर आप काम करिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप बहुत ज्यादा प्रॉस्परस इंसान होंगे। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बढ़ेंगी, आप चीजों को अच्छे से जज कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, आप सब समझते हैं और समझदार हैं, मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप उदास मत होइए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपको मदद कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिल रही है। हो सकता है कि आप एक से अधिक काम करना चाहते हो तो उन सभी में आपको सपोर्ट मिल रही है, आप उस काम को करिए, आप उदास होकर के मत बैठिए। आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, इसलिए आपको उदास नहीं होना है, आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब या मल्टीपल जो है बिजनेस में आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ने बॉटम तो देखे है, क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स आपको जो है सपोर्ट दे रहा है। और इस टाइम बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, पास्ट को लेट गो कर दीजिए, पास्ट को पकड़कर आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, मेरा काम जो है उसमें कोई मुझे सक्सेस नहीं मिली, जो नए नए लोग हैं जो अभी अभी जॉब करियर में आए हैं उनको बहुत सक्सेस मिल रही है और आपको वो सक्सेस नहीं मिली, आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो उसमें आपको इतनी सक्सेस नहीं मिली हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके लाइफ में खुशियां आ रही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके पर्सन के साथ में थी तो उसको दूर करिए, या किसी और के साथ में थी तो आप उनको दूर करिए और आगे बढ़िए, या अपने जॉब करियर में किसी के साथ में आप काम करते थे वहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आप उसको दूर करिए और आगे बढ़िए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करिए, जो भी चैलेंजेस थे धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए, यहाँ पर आप पास्ट को छोड़कर के आगे बढ़िए, आपका पर्सन जो है वो आपसे रिकंसिलेशन करने की सोच रहे हैं और पूरी स्टेबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको इस दुख से बाहर निकलने की जरूरत है, आप उस दुख को पकड़े बैठे हैं, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ था उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आ सकती हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा, आप को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की रिकॉग्निशन तो आपको मिलेगी जीवन में, चाहे एक बार दो बार आप जरूर जो है मीडिया में आएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जो भी बात करें वो क्लियर कट करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत टेंशन में हैं, उसमें इमोशंस नहीं है अभी, आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस तो कहीं गायब ही हो गए, ना तो आप अपने पर्सन को इमोशन दिखा रहे हैं ना आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही इमोशनली अनअवेलेबल हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है प्यार लेकर आइए सिचुएशन में, आपके लिए मैसेज भी यही आया था, थोड़ा सा अपने थॉट्स में प्यार लेकर आइए, आपके लिए बेटर रहेगा, आपका सिचुएशन भी बढ़िया हो जाएगा और आपके जॉब करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप उस पर भी ध्यान दे पाएंगे और अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थ्री ऑफ सोर्स आपको इस दुख से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस दुख से बाहर निकलिए, क्योंकि दो दो कार्ड आए हैं यहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है कि आप इस दुख से बाहर निकलिए। ठीक है, आप अपनी ड्राइवर सीट पर आ जाइए, अपनी पावर में आ जाइए, आपको इस पावर में आने की जरूरत है। आप अगर उदास होकर बैठे रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में भी आपको जो है बहुत ज्यादा इज्जत रेस्पेक्ट मिलने वाली है, क्योंकि आप अपनी फैमिली में एक ऐसे पर्सन हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और आपसे ही आपकी फैमिली की पहचान होगी। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने की जरूरत है, अपने पैशन पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़िए। जैसे मिसाल लेकर कि हम खेलों की शुरुआत करती हैं, और इसी तरह से आपको भी एक नई बिगनिंग करनी है, यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी है, फिर सक्सेस आपको ही मिलेगी। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपको डिवाइन की तरफ से जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है ये तोहफा, और ये तोहफा आपको डिवाइन दे रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हैं, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, तो आप जो है अपने पार्टनर की तरफ जाइए, उनसे बात करिए, उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको जॉब करियर में भी काफ़ी सक्सेस मिलेगी, और आप अपने पैशन को फॉलो करिए और आगे बढ़िए, आपके लिए सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, आप अपनी पावर में आ जाइए, अपनी पावर को पहचानिए, बार बार यही आ रहे हैं, आप कंजूसी दिखा रहे हैं, आप जो है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे हैं, आपके पास में सब कुछ आएगा। ठीक है, आपके पास में प्रॉपर्टी आएगी, आपके पास में पैसा आएगा, सब कुछ आपके पास में होगा, लेकिन आप कंजूसी दिखा रहे हैं, प्यार दिखाने में भी कंजूसी दिखा रहे हैं, एफर्ट्स लगाने में भी कंजूसी दिखा रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, वेग के साथ में आपको आगे बढ़ना है और अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो, पास्ट को लेट गो कर दीजिए, या कोई सिचुएशन या कोई लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, उनको आप लेट गो करके आगे बढ़िए, लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, और वो किसी कारणवश आपके लाइफ में आए थे क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी थी, क्योंकि आप भी अर्थ एंजल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक विशेष पर्पज के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, इसीलिए उन लोगों को वो काम सौंपा गया था कि वो आपको ट्रिगर करे और आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका खुद का चुनाव है ये कि जितने भी पल आपने दुख के देखे हैं वो सब आपने खुद चुने थे और आप उनको ओवरकम करके सक्सेस प्राप्त करके दिखाएंगे, ये भी आपने खुद ही चुना था। इसलिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, सोसाइटी को ये दिखाने आए थे कि चाहे कितनी भी सिचुएशन बुरी हो, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपने ये खुद ही चुना था ये रास्ता, और इसी वजह से यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है टाइम टाइम पर, आप सिर्फ जो है अपने आप को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए कि आप कितने पावरफुल पर्सन हैं। किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई खुश करेगा या आपको कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एंजल्स से भी हेल्प ले सकती हैं। आपके साइन टोरस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, उनसे आप आगे अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, आगे एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, उनसे बातचीत करिए, अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।